जिनको गुमराह करके तिरंगे का विरोध करने की बातें करी, पाकिस्तान के इशारे पर चलने की बातें करी, आज वो भी तिरंगा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कश्मीर है पत्थरबाजों का कश्मीर, वो कश्मीर उग्रवादियों का कश्मीर, वो कश्मीर जो पाकिस्तान की सोच से चलने वाला कश्मीर। हर बात में जिनको नज़र कमज़ोर हो गई है उनको ऐनक डलवा करके कहना चाहता हूँ, आप ऐनक डालो, देखो कश्मीर बदल गया है, देखो कश्मीर के अंदर तिरंगा आ गया। इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कश्मीर के नेताओं से कि तिरंगा ही तिरंगा था, वो हाथ आपने देखे नहीं? मेरा ख्याल कोल दी नज़र बड़ी कमज़ोर है, इस करिए ऐनक पवाई है। कश्मीर के अंदर लड़ाई उतने सबसे ज़्यादा 70 वर्ष के बाद पहली बार तिरंगे ही तिरंगे थे वहाँ। ₹15 अगस्त कल था मैं समझता हूँ 70 वर्ष के अंदर पहली बार जितने तिरंगे कश्मीर के अंदर लड़ाए उतने सबसे ज़्यादा 70 वर्ष के बाद पहली बार तिरंगे ही तिरंगे थे वहाँ। अंदर से तिरंगा था, बाहर से तिरंगा था, जुबान से तिरंगा था, उग्रवादियों के जो परिवार थे उनके माध्यम से भी तिरंगा था। जिनको गुमराह करके तिरंगे का विरोध करने की बातें करी, पाकिस्तान के इशारे पर चलने की बातें करी, आज वो भी तिरंगा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कुछ नेता जिनको मैंने ऐनक बनाई है, ये कहते थे तिरंगा उठाने वालों के हाथ नहीं मिलेंगे। मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कश्मीर के नेताओं से कि तिरंगा ही तिरंगा था, वो हाथ आपने देखे नहीं? मेरा ख्याल कोल दी नज़र बड़ी कमज़ोर है, इस करिए ऐनक पवाई है। ये ऐनक इसलिए डाली है क्योंकि पास की नज़र बड़ी कमज़ोर हो गई है, तिरंगे दिख नहीं रही हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ अपनी ऐनक बदलो। ये ऐनकें लाई हैं, ये उनको भेंट कर रहा हूँ कि ऐनकें बदल करके ताकि तुमको साफ दिखाई देने का प्रयास हो। तिरंगे कितने थे, कैसे लोग जोशों से आगे बढ़ रहे थे, और वो कश्मीर पत्थरबाजों का कश्मीर, वो कश्मीर उग्रवादियों का कश्मीर, वो कश्मीर जो पाकिस्तान की सोच से चलने वाला कश्मीर, उसको ठीक करने का प्रयास इस चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, इस LG के माध्यम से आज एक नया दृश्य वहाँ देखने को मिला है। इसलिए इनको मुबारकबाद देने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन जिन नेताओं को आंखें कमज़ोर हो गई हैं उनकी आंखों पर ऐनक लगा करके उनसे कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम ऐनक जो है उसका लेंस बदलने का प्रयास करो ताकि तुमको सच्चाई देखने की बातें हों, ताकि तुमको ये लगे कि सच क्या है। तुम वो जो अपने आस पास वही पैरेफरी ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तानी यही तुमको जो नज़र आ रहे हैं, ये बातें नज़र नहीं आनी चाहिए। आज का प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात को है जो हर बात में जिनको नज़र कमज़ोर हो गई है उनको ऐनक डलवा करके कहना चाहता हूँ, आप ऐनक डालो, देखो कश्मीर बदल गया है, देखो कश्मीर के अंदर तिरंगा आ गया है, देखो कश्मीर के अंदर खुशहाली आ गई है, देखो कश्मीर अग्रसर पर हो रहा है। अगर कश्मीर होगा तो जम्मू भी होगा, और उसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये जितना बड़े तिरंगे जितने ज़ोर शोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उग्रवादी, उग्रवादी वो जो मिलिटेंट हैं बाहर पाकिस्तान के अंदर, उनके परिवार वो तिरंगा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।